और वहीं कानपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर भाजपा युवा मोर्चा ने कारगिल पार्क स्थित शहीद स्मारक में कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में कानपुर से शहीद हुए जवानों के परिवार वालों को सम्मानित भी किया गया। कानपुर भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष शिवांग मिश्रा और महामंत्री पवन गुप्ता ने बताया कि जो जवान देश की सीमा पर खड़ा होकर हमारी सुरक्षा करता है और अगर वो शहीद हो जाता है तो कई राजनीतिक पार्टियां उनको दो दिन में ही भुला देती, लेकिन भाजपा हमेशा शहीदों के परिवार के साथ खड़ी है, जिसको लेकर हमने 5 शहीद के परिवार वालों को सम्मानित किया है। आज हमारे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से अमृत महोत्सव का ये पर्व मनाया जा रहा है। जो शहीद जो हमारे देश के मान सम्मान के लिए अपने प्राण निछावर कर देते हैं, तो इसमें कई दल और आते हैं राजनीति की अपनी एक परिभाषा बता के उनको संतावना दे के फिर भूल जाते हैं, उस परिवार को कोई ध्यान नहीं रखता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को प्रमाणित करा गया है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो राजनीति से परे हट के हर एक दुखी का, हर एक जिसको दर्द है उसके दर्द को समझने का काम करती है। तो उसी दृष्टि में आज अमृत महोत्सव, जो कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिसका आह्वान किया था, तो हमारे यहाँ पे मोती झील शहीद स्मारक है, ये बहुत बड़ा शहीद पार्क है, उसमें हमारे कानपुर के जो शहीद हुए हैं, हमारे अमर जो अमर हुए हैं शहीद, उनके परिवार को उनका प्रोत्साहन बढ़ाया गया और उनको ये बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी व युवा मोर्चा हर कदम पर हर दम पर उनके परिवार के साथ है और उनसे हम लोग हमेशा रूबरू रहते हैं, और ये बात उन लोगों ने खुद अपने वक्तव्य में कही भी है। आज हम लोगों ने शहीदों के परिवार को सम्मानित किया है। जैसा कि देखते होंगे कि जब किसी परिवार में कोई शहीद होता है तो दो दिन बहुत चलता है कि शहीद हो गया, उसे घर जाते सब नेता, लेकिन उसके बाद उनके परिवार को भूल जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा कभी नहीं होने देगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज एक कार्यक्रम किया आज़ादी से अमृत महोत्सव, इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो कानपुर में शहीद परिवार हैं उनको सम्मानित करने का, उनको याद करने का कार्य किया गया और बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीवन पर्यंत उनके साथ रहेगी। आज हमने 5 शहीद परिवारों को सम्मानित। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMTNewsFlash।